गाइस के सबसे बिलो वेलकम बैक टू माय चैनल अली ब्रदर सिटी जीरो। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपका तो चले सीखता आज का है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 28। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में सीखने वाले। तो ये टेंस का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे मैं इसे आपको पार्ट में डिवाइड करके बताने वाला हूँ। तो आप सब पार्ट देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम टेंस का इसके बारे में सीखने वाले। तो टेंस के मेन 3 टाइप है, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो ये जो 3 टेंस है, इनकी भी कुछ 4 सब टाइप्स है। वो कौन से है? तो वो है इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये क्या है, उनके 4 सब टाइप्स है। तो अभी हम देख लेते हैं कि टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से है। डू, डज, इज, एम, हैज, हैव, हैज बीन और हैव बीन, ये जो है ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, उसके साथ मिलकर वाक्य को पूर्ण करने वाला शब्द। यानी कि ये जो वर्ब है, यानी कि किसी वाक्य सेंटेंस में कोई एक्शन होगी तो ये जो वर्ड्स है उसे उसकी प्रेजेंट टेंस के साथ जुड़कर उसे पूरा करेंगे। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हम देख लेते हैं, डिड, वॉज, वेयर, हैड और हैड बीन, ये क्या है पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। अभी आखिरी है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के कौन से है, तो विल हैव बीन। आपने देखा होगा कि फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब उसमें सबसे सब में पहले क्या है, विल है, पर उसके उसमें भी कुछ जॉइंट है। जैसे कि इधर विल है सिर्फ, उसको विल को इधर बी ज्वाइंट हुआ है, इधर हैव और इधर हैव बीन ज्वाइंट है। तो यही था आज का हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 28। इस वीडियो में डे 28 का पार्ट 1, इस वीडियो में हमने टेंस के बारे में सीखा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आखिर तक बने रहे। थैंक यू।